हेलो एवरीवन, एक नया क्वेरीज कि हम कैसे जान पाएँ अपना सिस्को का जो सर्टिफिकेट नंबर है, क्योंकि सर्टिफिकेट में सिस्को का सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया हुआ है। तो अगर उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास क्वेरीज है तो आप सही जगह हो, आप सही वीडियो देख रहे हो। आप दो काम कर सकते हो, या तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इनरोलमेंट प्रोसेस फॉर SPT जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इस तरह का एक वीडियो होगा, उसके 15 मिनट के बाद का जो सेशन है या 15 मिनट के बाद का जो टाइमर है उस पर आपको बखूबी दिया हुआ है कि किस तरह आप अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है वो जान पाएँ। और सर्टिफिकेट नंबर के बगैर आप इनरोलमेंट फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो और सर्टिफिकेट नंबर आपका ज़रूरत है। जो किए हुए हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो सिस्को का नहीं किए हैं वो तो नीचे में डालकर, इन दिस सेमेस्टर में डालकर बिना सर्टिफिकेट नंबर के ही भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये वीडियो किन के लिए है? उनके लिए जो सिस्को का ट्रेनिंग या सिस्को का के अंडर जो भी काम करवाया गया था वो कर चुके हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नंबर नहीं पता है। तो सर्टिफिकेट नंबर पता करने के लिए ये वीडियो आपके लिए खास है। आप दो तरीका, या तो आप ये फुल वीडियो देख लो, मैं भी इसमें बताने जा रहा हूँ, या हमारे सर बताने जा रहे हैं, और उसी चीज़ उसी का ये कट पेस्ट है, एक छोटा सा वीडियो हो जाएगा, उसमें बहुत सारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस का एक छोटा सा प्रोसेस ये है। या तो आप सीधे इनरोलमेंट प्रोसेस फॉर SPT जो आपके इंटरफेस पे दिख रहा है उस वाले वीडियो पे आप जाके 15 मिनट से जो स्टार्ट होता है वीडियो वहाँ पे आप देख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। चलिए हम इसी में दिखा देते हैं आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोसेस की, किस तरह आप सिस्को का सर्टिफिकेट नंबर आप जान पाओगे। ठीक है, चलिए। सभी स्टूडेंट का सिस्को का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेटा कैट लॉगिन सर्च करेंगे गूगल पे। सर्च करने के बाद ये आएगा सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, इसको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन आएगा, लॉगिन में जाएंगे। जिसका जिसका एनरोलमेंट हो चुका था उसके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा। तो लॉगिन करोगे अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से, फिर ये ऑप्शन आएगा प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद माय प्रोफाइल आएगा। माय प्रोफाइल पे जाने पे नाम के नीचे, आपके नाम के नीचे नेटवर्किंग एकेडमी आईडी लिखा है, मेरे केस में क्या है 5856800185। हर एक स्टूडेंट का अलग आईडी होगा, वही आईडी सर्टिफिकेट नंबर है। थैंक यू। तो आपने देख लिया कि किस तरह हम लोग जान पाएंगे कि हमारा सिस्को का जो सर्टिफिकेट नंबर है जो भी डालना है वो कैसे हो सकता है। अभी भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।